आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार जारी है। उन्होंने एक बार फिर नोटबंदी और जीएसटी को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत में वस्तु और सेवा कर जिस तरह से लागू किया गया उसने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। जीएसटी को इस तरह से नहीं लागू किया जाना चाहिए था। दरअसल मोदी सरकार की अर्थनीति पर कई सवाल उठाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जीएसटी को वैश्विक तौर पर अप्रत्यक्ष कर की सबसे अच्छी प्रणाली बताया, लेकिन भारत में सरकार ने जिस तरह से इसे अपनाया उस पर सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को कहीं भी इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार ने जीएसटी को लेकर जो कारनामा किया है उसे तो हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग समझ सके कि ये प्रणाली किस तरह से हानिकारक भी साबित हो सकती है। साथ ही यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को नसीहत दी है कि सरकार को तुरंत अर्थशास्त्री विजय केलकर को साथ में लेना चाहिए जिन्होंने भारत में जीएसटी की रूपरेखा तैयार की थी और अर्थव्यवस्था को मुश्किल से निकालने के लिए जीएसटी में सकारात्मक सुधार करने चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी सरकार को घेरा। सिन्हा ने कहा कि विमुद्रीकरण की नीति ने गरीबों को परेशानी में डाल दिया जबकि अमीरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।